हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक कुमार प्रजापति। आज टीडीएस मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के पहले थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जान लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस तब समझ में हमको आएगा। जैसे हमने मान लो कि 100 रुपया बैंक में जमा किया, ये इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा 100 रुपया है, इसको हमने बैंक में जमा किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम जो दिया है ये 2 ईयर्स है। 2 साल के लिए हमने पैसा जमा किया, तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपली सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला सबने पढ़ा होगा, पी इंटू आर इंटू टी ऑन 100। ऐसे भी निकालेंगे या ऐसे भी निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, आर इंटू टी कर देते हैं, रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब हमको 20% निकालना है, 10 into 2, 20% हम 100 का निकाल देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 20 रुपीज आ जाएगा। सिंपली ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब आता है कंपाउंड इंटरेस्ट की क्या कहानी होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि हमने बैंक में पैसा लगाया 2 साल के लिए, ये तो 10% पर एनम दे रहा है ना, हमारा एक साल में हमारा 10% ब्याज दे रहा है या इंटरेस्ट दे रहा है। देन ये क्या होगा कि आफ्टर 1 ईयर जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो 10 रुपीज हो जाएगा और 100 रुपीज हमारा प्रिंसिपल था। तो आफ्टर 1 ईयर में हम 10 रुपीज हम ले सकते हैं, बट हम 10 रुपीज नहीं लेते, वो बैंक के पास ही रहता है। तो जैसे 100 नेक्स्ट ईयर में 100 पे हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 10 रुपीज पे भी हमको इंटरेस्ट चाहिए, तो वही इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा, वो क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है वही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। जैसे इस केस में हमको ये 20 रुपीज मिल रहा है, अब ये आफ्टर 1 ईयर मतलब एंड ऑफ द 1 ईयर, 1 ईयर के एंड में जो हमारा इंटरेस्ट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 100 रुपया मिलेगा। 100 पे सॉरी आपका 10% था, तो 100 पे आपका 10 रुपीज मिलेगा। अब ये एंड में, एंड ऑफ द सेकेंड ईयर में भी आपका 10 रुपीज ही मिलेगा, क्योंकि प्रिंसिपल आपका यहां पे कितना था, 100 था। तो 100 पे 10% इंटरेस्ट जो मिलेगा वो आपको यहां भी 10 रुपीज मिलेगा और यहां भी 10 रुपीज मिलेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 20 रुपीज ही आएगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो आफ्टर 1 ईयर में आपको इंटरेस्ट मिला था उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब ये 10 रुपीज पे आपको 10% फिर से मिलेगा, 10% ऑफ 10 मतलब 1 रुपीज हो गया, क्योंकि 10% कितना होता है, 1/10 होता है, आप लोग परसेंटेज पढ़ा होगा। तो 1/10 × 10 ये आपका 1 रुपीज और मिलेगा, तो ये यहां पे 1 रुपीज और इंटरेस्ट मिलेगा उसका, इस इंटरेस्ट पे उसको फिर से इंटरेस्ट मिला। जब इस इंटरेस्ट पे फिर से इंटरेस्ट मिला तो अब ये टोटल जो हुआ, जो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, ये 21 रुपीज हो गया, क्योंकि 10 और 10 और 1, ये तो आप देख रहे हो कि यदि सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था देन रुपीज 20 मिल रहा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जब है आपका, ये सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट में 20 हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका वही 21 हो गया। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूले से भी निकलता है, हम ये इस मेथड से भी डायरेक्ट निकालते हैं, तो कंपटीशन में ज्यादातर इस मेथड से ही निकल जाता है, बट फॉर्मूले के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का जैसे फार्मूला था पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला आता है यहाँ पे सी आई, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है वो डायरेक्ट नहीं होता, वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अमाउंट कैसे निकालेंगे हम, अमाउंट जो निकालते हैं होता है पी 1 + r/100 n। r जो होता है रेट होता है और n जो होता है वो टाइम होता है। अब ये इसमें जैसे रेट हम पिछले क्वेश्चन में देखे थे पर एनम था, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो रेट होता है वो तो वही रहेगा, वो कंपाउंडेड जो होता है वो पर एनम मैंने ईयरली भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है, क्वार्टरली भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है, आपको मंथली भी हो सकता है। तो इतना तो पूछते नहीं, ज्यादातर हाफ ईयरली और क्वार्टरली। हाफ ईयरली का मतलब क्या हुआ कि जो इंटरेस्ट हमको यहाँ 1 ईयर में मिल रहा था उसके बाद हम इंटरेस्ट ले रहे थे, हाफ ईयरली होगा तो हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ के बाद ही जो इंटरेस्ट बनेगा उस इंटरेस्ट पे भी फिर इंटरेस्ट मिलेगा हमको, ये होता है हाफ ईयरली।
आफेयरली का मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट जो 6 महीने में इंटरेस्ट बना है, जैसे 1 ईयर में ये 10 रुपीज इंटरेस्ट बन रहा था, तो 6 मंथ में जो हमारा 5 रुपीज इंटरेस्ट बनेगा, अब 5 रुपीज पे फिर से हमको इंटरेस्ट मिलेगा 6 मंथ के बाद ही, इसमें हमारा 6 मंथ बाद मिलेगा, फिर 12 मंथ बाद मिलेगा, फिर 1.5 ईयर बाद मिलेगा, फिर 2 ईयर बाद, इस तरह ये कि वो आपका इसमें 6 मंथ के बाद भी मिलेगा, फिर 1 ईयर के बाद कैलकुलेट करेंगे, फिर 1.5 ईयर के बाद कैलकुलेट करेंगे, फिर 2 ईयर इंड में आपको कैलकुलेट करो, इस तरह इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता चला जाएगा, पीछे जो भी इंटरेस्ट होते हैं उस पर आपका इंटरेस्ट मिलता चला आता है। तो इसमें हम जब करते क्या है, जब ये आपको दिया होगा कि हाफ एयरली हो, जब हाफ एयरली होगा यहां पे, तो हाफ एयरली में जो आपका रेट जो है, ये मान लो कैपिटल आर लिया हमने, आर बाई टू हो जाएगा, रेट जो हो जाएगा आधा हो जाएगा, और टाइम जो है एन वो आपका ट्वाइस हो जाएगा, आपका टू इन टू, जैसे आपका ये मान लो एन वन मानते हो तो टू इन टू एन हो जाएगा, उस तरह ही आपका मान लो कि ये हाफ एयरली हो गया, ये 6 मंथ में हो गया, अब ये 3 मंथ में ही हो गया, 3 महीने पे ही फिर से ब्याज मिलने लगा आपको, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलने लगा, उसको बोलते हैं क्वार्टरली। तो क्वार्टरली में क्या होगा कि रेट जो होगा वो आर बाई फोर हो गया, रेट आपका 1/4 हो जाएगा, और जो टाइम जो होगा मान लो एन टू लेते हो तो 4 × n हो जाएगा, मीनिस फार्मे में हम लगाते हैं तो रेट आपका हो जाएगा आर बाई टू, जो भी मान लो 10% रेट है तो 5% हो जाएगा, और 2 साल के लिए लिया है तो 2 × 2 ये 4 होगा, एन की वैल्यू 4 आएगी। अमाउंट निकाल के फिर हम प्रिंसिपल्स को माइनस करते तो बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता, ये फार्मूले से निकालने का मेथड है। इस तरह हम ये आपका 3 मंथ में क्वार्टरली आ जाएगा, इस तरह हम निकालते हैं। तो यहां से हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालते जाते वही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। फार्मूले से हम निकालना चाहते हैं, फार्मूले से निकाल के अमाउंट निकालना पड़ता है, फिर उसको हम प्रिंसिपल को माइनस करते हुए निकल जाता है। एक देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो सीडीएस में आया हुआ है, ये कह रहा है कि व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज दिस एट 25% पर एनम फॉर 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। ये आपका 2010 एनडीए 2 में आया हुआ है। अब सिंपली इसमें क्या है कि पहले तो 25% जो होता है वो आपका होता है 1/4, 25/100 1/4 हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, अब ये 1 ईयर में हम इंटरेस्ट निकालेंगे, देखो 2 साल का हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो ये एंड ऑफ द 1 ईयर, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे, एंड ऑफ द 1 ईयर जो इंटरेस्ट बनेगा वो 1/4 इंटू, ये हम यहां निकाल सकते हैं 1600 इंटू 1/4, 4 से कट जाएगा और 400 रुपया आएगा। ऐसे भी 1600 का 25% हम निकालेंगे तो 1/4 हुआ, 25% 1/4 तो ये आपका 400 रुपया। ये 400 जो हो गए सिंपल इंटरेस्ट होता है, 1 ईयर के बाद सिंपल इंटरेस्ट भी वही होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। जब 2 ईयर्स आपका कंप्लीट होगा तो ये 400 आपका तो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट है ये। अब इस इंटरेस्ट जो पहले ईयर में मिला था उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 400 का फिर से 25% 1/4 थी आपका 100 हो गया, मतलब 100 रुपीज आपको और इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला आपको ये इंटू 1/4। तो ये आप टोटल ये देखो क्या हुआ, 900 हो गया, 448 और 19, तो ये आपका हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 900 हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट यहां निकालना होता तो आपका 800 ही होता, ये 900 आंसर है। ये तो मैंने देखो बेसिक से बताया और फार्मूले से बताया, अब इस क्वेश्चन को हमको अटेम्प्ट करना हो तो हम कैसे देखेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का अप्रोच क्या होता है। अप्रोच सिंपल है कि इस वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 1600 का निकालना है, 25% पर एनम 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली है। देखो तो जब भी ये 25% है तो सिंपल इंटरेस्ट में देखोगे तो 25 × 2 ईयर को टाइम रेट से मल्टीप्लाई करते, मतलब 50% हो गया ये सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट ही आपका 800 आएगा। अब इसमें देख रहे हो कि 800 यहाँ पे तो ये तो हो ही नहीं सकता है, बाकी ये दो तो नीचे दिए हैं, 800 से बिलो है, या तो ये तो हो ही नहीं सकते, एक ही आंसर बचा है 900, ये डायरेक्ट आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन देख के हम तुरंत 50% हम करेंगे, देखेंगे 800 और 800 से ज़्यादा ही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, क्योंकि 800 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा, तो हम तुरंत ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये एक ट्रिक ट्रिक होता है कि क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस एमसीक्यू में आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन में कोई ना कोई अप्रोच होता है जहां तक हमको पहुंचना होता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा जो भी हमने समझाया कंपाउंड टेस्ट के बारे में। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।